रोही किचन में काम कर रही होती है। जुनैद आता है, कहता है मैं मामा से बात करूंगा, आप क्यों यहाँ काम कर रही हैं। रोही कहती है आप बात ना कीजिएगा, बिना खुशकिस्मत है जिसका हस्बैंड इतना केयरिंग होगा, आप बहुत अच्छे हैं। खुशी कहती है रोही से कि आपने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है, आपका डिज़ाइन देखते ही मैम खुश हो जाएंगी। रोही खुशी हो रही होती है, अनु आ जाती है और आकर कहती है ये क्या डिज़ाइन किया है तुमने, तो हमने डिज़ाइनर की डिग्री पैसे दे कर ली है। जानबूझकर अपनी भाभी को इंसल्ट करने के लिए वो डिज़ाइन फाड़ देती है। रूही दुखी हो जाती है और कहती है अब मैंने स्टैंड लेना है, अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी बहन भी है, मैं अब ये जॉब नहीं करूँगी, कहकर वो घर चली जाती है। रूही के अब्बू दुआ करते हैं अपनी बेटियों के लिए, अल्लाह ने हमेशा खुश रखे। रूही घर आती है, साथ ही अनु आ जाती है और अपने भाई को कहती है ये गुस्से में काम छोड़कर आ गई है। रूही कहती है मेरी बहन की शादी है, मैंने शॉपिंग करनी है, मेरा सारा ध्यान उधर लगा रहता है, इसलिए मुझसे काम ठीक नहीं हो रहा था, मैं आ गई घर पर। अनु अपनी माँ को बताती है कि इसने मेरे साथ क्या चालाकी की है, भाई को अपनी तरफ कर लिया है। उसकी माँ कहती है सब्र से काम लो, नहीं भाई तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, इतना जुल्म ना करो, वो कोई गाय नहीं है, वो इंसान है, तुम्हारे जज्बातीपन से सारा काम खराब हो जाएगा, भाई की शादी हो लेने दो, खुद ही सब कुछ सेट हो जाएगा। अनु की माँ जेवर दिखाती है रूही को और कहती है ये मेरे खानदानी जेवर हैं, ये मैं अपनी बड़ी बहू के लिए रखे हैं, तुम अपना दिल छोटा ना करना, तुम असद को कहना वो तुम्हें बनवा देगा, इस सास ने पहनाए थे और मैं अपनी बड़ी बहू को पहनाऊंगी। उमर के भाई उमर का वेट कर रहे होते हैं, तभी उमर पहुंच जाता है। जुनैद कहता है तुम अपनी हालत देखो और रिजाइन करो, तुम वहां जॉब नहीं करोगे। उमर कहता है अभी तो मैंने ज्वाइन किया है, अब मुझे एक्सपीरियंस ले लेने दें, फिर मैं वहां से रिजाइन दे के आपकी कंपनी में आ जाऊंगा। रूही अपने घर जाती है, अपनी बहन के साथ शॉपिंग वगैरह करवाती है। उमर अपनी भाभी को कपड़े देने के लिए आता है, बिना उमर से कहती है ना तो मेरी कॉल का जवाब देते ना मैसेज का। उमर गुस्से से बोलता है मैं वहाँ पर काम करता हूँ, तुम्हारे मैसेज कॉल का रिप्लाई करने के लिए नहीं बैठा हूँ। बिना की कज़न अपनी माँ को कहती है यहाँ सब खुश हैं आपके सिवा, आप किस्मत के लिखे को क्यों नहीं मान लेती। वो इसलिए खुश नहीं होती क्योंकि वो चाहती थी मेरी बेटी की शादी जुनैद के साथ हो। उमर अपने भाई के निकाह पर बहुत ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन अपने भाई की खुशी के लिए चुप रहता है। बिना रूही को जेवर पकड़ाती है और वो घूम जाता है। रूही बहुत परेशान होती है, असद रूही सारा तलाश करते हैं लेकिन कहीं पर भी नहीं मिलता। अनु शोर मचा देती है, खीर की रस्म होते ही अपनी माँ को कहती है जेवर नहीं मिल रहा। रूही से कहता है तुम सोचो कहीं और ना रखा हो। रूही कहती है मैंने यहीं पर रखा था। असद रूही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। असद की माँ सोनिया पर गुस्सा करती है ये मेरे खानदानी जेवर थे कहाँ गए, तुम्हें एक सेट संभालने के लिए दिया था, तुम वो भी ना संभाल सकी। बिना कहती है आप एक लापरवाह इंसान नहीं, घर में भी छोटी सी छोटी चीज़ को संभाल कर रखती थी, जिस पर जुनैद की माँ बिना पर भी गुस्सा करती।